आप सभी मेंबरों में से दो मेंबर गायब है। ये अब्दुल कहाँ है? अनि जब से चोरी हुई है तब से गायब है। और पांडे साहब उसका फोन भी नहीं लग रहा, बहुत ट्राई किया हमने। कहीं वो अब्दुल इस चोरी में शामिल तो नहीं? मोमती जी, पांडे साहब अब अब्दुल भाई पर शक कर रहे हैं? नहीं नहीं बेया बहन, शक करना हमारा काम है। अगर हमारे घर पे चोरी हुई होती तो हम भी अपने परिवार वालों पर शक करते हैं, उनकी पूरी चेकिंग करते हैं। मैं खुद अपने आप को भी चेक करता हूँ, देखो ऐसे ऐसे करके फाइनली निर्दोष साबित हो जाता हूँ। देखो पांडे बेटा, अब्दुल ऐसा नहीं कर सकता, हमें अब्दुल पर पूरा भरोसा है। तो कौन कर सकता है चाचा जी? वो जेठालाल कहाँ है? ओ पांडे जी, तुसी हुन जेठा भरा ते शक कर रहे हो यार? नहीं बस पूछ रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है और जेठालाल गायब है, क्योंकि जहां गड़बड़ होती है वहां तो जेठालाल होता ही है ना। अरे पांडे बेटा, जेठिया को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमारी तो उससे अभी तक बात ही नहीं हो पाई है। वो अपनी किसी पार्टी से मिलने गया है और अपना मोबाइल दुकान में भूल के गया है। अरे ऐसे कैसे कोई अपना मोबाइल भूल सकता है? ए आईडी, तू क्या कभी कुछ भूलता ही नहीं है? तुझे सब याद रहता है? हो सकता है भाई। ऑफ कोर्स चाचा जी। अय्यर क्या बोल रहे हो तुम? अरे हाँ, निकल गया मुझ। अरे अय्यर भाई छोड़िए ना ये सब, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तो देखिए कि मैटर कितना सीरियस है। पांडे साहब कुछ भी कीजिए, आप चोरों को पकड़िए, बहुत बड़ी हमारे यहाँ कम से कम 15-20 लाख रुपए की चोरी हुई है, हमारा सामान वापस आ जाए, ये कुछ कीजिए प्लीज। आप लोग चिंता मत कीजिए, पुलिस आज नहीं तो कभी ना कभी तो उन चोरों को पकड़ के ही रहेगी। वेरी गुड। हो सकता है आपकी जो 15-20 लाख की ज्वेलरी है वो जब पकड़ी जाए तो 30-35 लाख की भी हो सकती है, सोने का भाव तो कभी भी बढ़ सकता है ना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देता हूँ। जी जी प्लीज जल्दी। हेलो कंट्रोल रूम। सर बिलेटेड हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली सर। और छुट्टी में दिवाली में कहाँ गए थे यार? तुम अभी तक दिवाली मना रहे हो? यहाँ गोकुल धाम वासियों का दिवाला निकल गया है। एक कपल यहाँ की महिलाओं को बेहोश करके सारा माल कार में लेकर भागे हुए हैं, उनके बारे में पता करो। गॉट इट सर। वैसे तुम दिवाली वेकेशन में कहाँ गए थे सर? ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। मैंने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर दिया है, अब मैं चलता हूँ। ओके पांडे सर। देखिए वो चिबावली ने सुंदर वीरा ने टप्पू को चंद का घुघरा दिया था वो, और मेरा मंगलसूत्र चुरा लिया है तो वो मिल तो जाएगा ना? हाँ हाँ दया बहन, आप चिंता मत कीजिए, आपके मंगलसूत्र चुराने वाले को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे इस बार। देखिए साहब, चोरी का दूसरा सामान बाद में मिलेगा ना तो चलेगा, लेकिन टप्पू का घुघरा और मंगलसूत्र मिले ऐसा करना, क्योंकि घुघरा वो टप्पू के मामा की निशानी और मंगलसूत्र टप्पू के पापा की निशानी है, इसलिए। हाँ प्लीज, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज मेरा भी जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ लेना। पांडे जी हमारा मंगलसूत्र ढूंढ के दीजिए प्लीज। देखिए आप लोग शांत हो जाइए और विश्वास रखिए, मैं उन दो चोरों को जरूर पकड़ के लाऊंगा। ओके माता जी करे आपका मंगलसूत्र सदा सुहागन रहे। मेरा मंगलसूत्र मतलब आपकी पत्नी का मंगलसूत्र। थैंक यू, डोंट वरी, मैं आप सबके मंगलसूत्र को ढूंढ लूंगा। I know how important is Mangalsutra for the Indian wife. I know it. और इस बार मैं ही पकड़ूंगा चोर को। हाँ 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 आप ही आप ही। Okay, I have to go. Bye. Thank you, पांडे जी। माता जी, पांडे साहब को शक्ति देना कि वो चोर और चोरनी को जल्दी से पकड़ पाए। हाँ। अब हमारी उम्मीद पुलिस ही है। सही बात है। हाँ अब तो पुलिस ही इन दोनों चोरों को ढूंढ पाएगी। हाँ पर इतने बड़े शहर में पुलिस इन लोगों को कैसे ढूंढेगी? शहर में होंगे तो फिर भी ढूंढ लेंगे, पर अगर वो लोग मुंबई के बाहर चले गए हो तो? हाँ,
तय भाभी प्लीज आप शांत हो जाइए। माधवी देखो पांडे जी ने कहा है ना तो वो जरूर चोर को ढूंढ निकालेंगे। तो मैंने एक गल समझ नहीं आ रही, जब चोर आए थे तो अब्दुल दुकान छोड़ के क्यों चला गया यार? अरे अब्दुल का ही तो पता नहीं है, क्या मालूम कहाँ चला गया है। बड़ा लापरवाह हो गया अब्दुल, पता नहीं चालू दुकान छोड़ के कहीं भी चला जाता है। आन दो इस अब्दुल को, अगर ये दुकान पे होता तो चोरों की हिम्मत ही नहीं होती कि अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में आते। बहुत डांटूंगा आज मैं ऐसे।